एक टिकटॉकर लड़की है जिसने कोई अपेरेंटली कोई डांस किया है, कोई वीडियो बनाया किसी गाने के ऊपर, और वो गाना जो है वो वायरल हुआ। फिर वो एक हमारी है एंकर पर्सन निदा यासिर जो है, उनके शो पे वो आई, मीम शेयर हुआ, पता नहीं यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया, कि जिसमें लिखा होता कि HEC ने कहा है कि जी 4000 हमारा जो PhDs हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, एंड येट दिस गर्ल हु डांस्ड इन अ वीडियो ऑन टिकटॉक मेड 2 crore rupees allegedly. एक रिसेंटली ना एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी एक वीडियो शेयर किया था अपने पता नहीं किसी प्लेटफॉर्म पे, somebody shared with me, जिसमें एक बाप और बेटी डांस कर रहे थे और लिखा होता क्यूट फादर डॉटर डांस एट सम काइंड ऑफ वेडिंग. ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग इज कि हम लोग क्यों, चाहे बाप के साथ ही करिए, लड़की और बहुत कोई बच्ची, छोटी बच्ची नहीं है, शी नॉट अ बेबी, राइट, वो जो डांस हो रहा है सारा कुछ हो रहा है, व्हाई आर वी ट्राइंग टू ग्लोरीफाई कि हम अपनी बच्चियां नचाएं. हम कहते हैं हम आशिक रसूल हैं, हम कहते हैं हम अल्लाह के मानने वाले हैं. अल्लाह सुभान तआला इरशाद फरमाते हैं कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, कि अगर तुम ये दावा करते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो नबी की इत्तिबा करो, नबी की पैरवी करो. क्या ये नबी का तरीका है जो हम दिखा रहे हैं? यानी वो जो हजरत फातिमा के बारे में हम कहते हैं जिनको अपनी हया की इतनी फिक्र थी, हजरत आयशा के बारे में कहते हैं, यानी उम्महातुल मोमिनीन के बारे में हम बात करते हैं, ये वो औरतें हैं जिनको अपनी हया का इतना था. अब हम ये चाहते हैं कि हमारी बच्चियां, मुसलमानों की बच्चियां, वो बच्चियां जिनके नाम भी ऐसे होंगे कि किसी का आयशा होगा, किसी का फातिमा होगा, किसी का ज़ैनब होगा, इन लड़कियों को हम टीवी पे लाएं, इनको हम टिकटॉकर बनाएं, इनको हम कहें कि जी आप इंस्टाग्राम मॉडल बने, आप अपने आप को डिस्प्ले करें, इस तरह से करें, एंड पीपल थिंक इट्स ओके. मतलब मुझे इस बात पे भी हैरत है कि जो लोग कहते हैं इसमें हर्जी क्या है, इसमें हर्जी क्या है, डांस ही तो किया, तो चलो यार डांस आपने किया है, आपने पूरे मजमे के सामने किया ना, वो चलो अब्बा जान आपके साथ है या कोई और, अब चले आपका महरम अगर आपके साथ घर में, चलो वो बात ठीक है, उसको फिर शायद हम एक्सेप्टेबिलिटी में ले जाए. जो चीज मुझे बहुत डराती है ना वो ये है कि अगर हमारे इस माशरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं और हजरत फातिमा आ जाएं और हजरत आयशा आ जाएं, हजरत खदीजा आ जाएं और वो हमारे ये प्रोग्राम्स देखें, निदा यासिर के शो पे वो आए, ठीक है, वो देखें ये क्या हो रहा है, वो देख, तो मुझे बताएं वो खुश होंगे या उदास होंगे? उनको गुस्सा आएगा ये सब कुछ देख के या खुशी होगी?